नमस्कार दोस्तों, आईटीआर अगर हम समय से नहीं भरते हैं तो एक सबसे बड़ा नुकसान, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम दुनिया भर के सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचे, लेकिन आईटीआर भरते समय पता चले कि हम वो इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं तो कैसा लगने वाला है दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताना, ऐसा क्यों होगा? अगर आप ये गलती करोगे तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे दोस्तों। जैसा आप सबको पता है, अब बाई डिफॉल्ट जो रिज्यूम आती है जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पे रिटर्न भरने जाते हैं, तो 115 BAC में जो सबसेक्शन 1A है उसकी रिज्यूम अब अपने को पोर्टल पे दिखती है, जो कि है न्यू रिज्यूम। और हमें यह भी पता है कि न्यू रिज्यूम में इन्वेस्टमेंट के कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, एक दो इन्वेस्टमेंट उनकी एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती है, अदरवाइज और किसी भी इन्वेस्टमेंट का हमें फायदा नहीं मिलता है। अगर हमें ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो हमें, अगर सैलरीड है तो आईटीआर फॉर्म भरते समय हमें 115 BAC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और अगर बिजनेस क्लास एसएससी है तो हमें 10IA फॉर्म भरना पड़ता है। अब ये ऑप्शन कैसे हम एक्सरसाइज करने हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बना दिया था, जो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी कि 10IA फॉर्म कैसा भरना है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिलेंगे भाई, अगर ओल्ड में भर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, सेक्शन 6, सबसेक्शन 6 जो है सेक्शन 115 BAC का, वो क्या बोलता है कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, वो 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट से पहले आपको वो ऑप्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ लिखा है, नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ए सेल अप्लाई। सबसेक्शन 1 ए अभी जो आपको आपसे ऊपर डिस्कस किया, जिसमें रेट ऑफ टैक्स लिखी हुई है न्यू रिजीम में, तो ये बोल रहे कि भैया आप पे अप्लाई नहीं होगा। वेर नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन सेल अप्लाई टू ए पर्सन When an option is exercised by such person in the manner, as may be prescribed for any assessment year, as may be prescribed का मतलब अगर business class SSC हो तो 10IA जो पहले बताया, और अगर business class SSC नहीं हो तो ITR form में ही आपको option दिख जाएगा, for any assessment year, and such option is exercised on or before the due date specified under subsection 1 of section 139। तो 139 के subsection 1 में due date लिखी हुई है ITR filing की, तो अगर ITR filing की due date से पहले आप opt करते हो ये option कि मुझे ओल्ड रिजिम में जाना है, तो आप ओल्ड रिजिम में आपके रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आप ड्यू डेट आपकी जा चुकी है और उसके बाद आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजिम में ही रहना पड़ेगा, जो पोर्टल पे आपको वैसे भी दिखने वाली है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आपके सारे इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना है तो ड्यू डेट से पहले आप आपका ऑप्शन एक्सरसाइज करें, ड्यू डेट से पहले आप आपकी रिटर्न फाइल करें दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।